Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Sixth class, today we will discuss word problems related LCM and HCF. और आपको word problem में कैसे पता चलेगा कि आपने LCM find करना है या फिर HCF? तो उसके लिए LCM जो है वो किसका meaning देता है? Least, यानी कि कम से कम या छोटे से छोटी value जो है वो आपने find करनी होती है. तो least के meaning में जो भी word आते हैं, shortest, smallest, minimum, इनका use अगर question में हुआ है तो हम LCM find करेंगे, या फिर अगर इन वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ लेकिन वो क्वेश्चन मीनिंग दे रहा है कि उसमें आपने लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो देन भी आप एलसीएम फाइंड करेंगे. इसी तरह से एचसीएफ हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर आपने फाइंड करना है. तो इसके मीनिंग में जितने भी वर्ड्स आएंगे, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट या मैक्सिमम, अगर ये क्वेश्चन में यूज़ होंगे तो आप एचसीएफ फाइंड करेंगे. और अगर इन ये वर्ड्स यूज़ नहीं होते लेकिन क्वेश्चन जो है वो इस तरह का होता है कि उसमें आपने हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो देन आप एचसीएफ फाइंड करेंगे. तो हम जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन जो है वो डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट मीन हाईएस्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है. तो हाईएस्ट मीन्स आपने क्या फाइंड करना है, इसमें एचसीएफ फाइंड करना है. किसका एचसीएफ फाइंड करना है? नंबर डैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 108, 180 एंड 216, थ्री नंबर्स गिवन है. अब आप इन क्वेश्चन में जो है वो आप दो पैटर्न सीख चुके हैं, एक एच सी एफ विद डिवीजन मेथड और एक एच सी एफ विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. उन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे. तो आप लिख लेंगे कि इस क्वेश्चन में फॉर दिस वी फाइंड एच सी एफ. इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? एच सी एफ फाइंड करेंगे. तो इन तीनों वैल्यू में से जो है वो एक सबसे छोटी वैल्यू लेंगे और एक बड़ी लेंगे. तो हमने 108 को बाई रखा है और 180 को अंदर रखा है. 108 वन जार 108 सबट्रैक करेंगे तो 72 रिमाइंडर आ जाएगा. अब 108 जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा और 72 डिवाइजर होगा. 72 का टेबल रीड करेंगे, 72 वन जार 72, 108 में से 72 को सबट्रैक करेंगे तो 36 गेट होगा. तो 36 टू जार 72, तो ये हमारे पास 36, 108 और 180 का एच सी एफ आ गया. अब थर्ड नंबर लेंगे, थर्ड नंबर है 216 और ये जो एच सी एफ आया इन दोनों नंबर का स्पेस को डिवाइड कर देंगे. तो 36 को जो है वो 36 का टेबल रीड करेंगे तो हमारे पास 36 सिक्स आर आ गया 216, तो ये डिवाइड हो गया. तो इट्स मीन हमारे पास जो है वो लास्ट डिवाइजर क्या आया, 36. तो यही हमारा एच सी एफ है. हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर इज 36. यही ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड करना था. इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री सोल्व करना है. फाइंड द ग्रेटेस्ट मैयर ऑफ अ स्ट्रिंग डैट कैन मैयर एग्जैक्टली 27 मीटर 45 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग वुडन बॉर्डर एग्जैक्टली. तो ग्रेटेस्ट मैयरमेंट आपने फाइंड करनी है तो आप क्या फाइंड करेंगे? एच सी एफ फाइंड करेंगे. क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 15 एंड 25. स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, लीस्ट का मीनिंग दे रहा है तो इट्स मीन आपने इसमें एल सी एम फाइंड करना है. फॉर दिस वी फाइंड एल सी एम. तो इसमें भी हमने डिवीजन मेथड यूज़ किया है. इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं और डिवीजन भी. तो यहाँ पे डिवीजन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं. 5, 15 और 25 को हमने राइट कर लिया एक साथ और अब इसको डिवाइड करेंगे. यूनिट प्लेस पे सबकी 5 है सो 5 पे डिवाइड कर दिया. 5 वन ज़ार 5, 5 थ्री ज़ार 15, 5 फाइव ज़ार 25, 3 वन ज़ार 3, 5 एज इट इज़, 5 वन ज़ार 5. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 थ्री ज़ार 15 और 15 फाइव ज़ार 75, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 75. यही जो है वो हमने फाइंड करना था. इसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करना है. फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ. शॉर्टेस्ट मीन लीस्ट लेंथ आपने फाइंड करनी है ऑफ अ पाइप. कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली विद 4 मीटर, 6 मीटर एंड 9 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप्स रिस्पेक्टली. तो शॉर्टेस्ट मीन्स आपने क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है इसमें.